दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। आनी की मोहान पंचायत में धू धू कर जले मकान, लाखों का नुकसान। गरमौड़ा बॉर्डर पर एक ही स्थान पर पलटी दो टूरिस्ट बसें, राहगीर की मौत, 5 घायल। निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही थी घटिया सामग्री, प्रधान ने लिया ये एक्शन। पुलिस भर्ती का ग्राउंड क्लियर करने वाले युवाओं की मुफ्त कोचिंग शुरू। और अब खबरें विस्तार से। आनी की मुहान पंचायत के बशाउल गांव में एक रिहायशी मकान धू धू कर जल गया। आग लगने की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान हरीश शर्मा मौके पर पहुंचे व प्रशासन और जनता के सहयोग की गुहार लगाई। ये मकान खेम चंद पुत्र लालदास का है। उधर बशाउल गांव के ही संगत राम, धर्म सिंह और पुणे राम का संयुक्त पुराना मकान भी जलकर राख हो गया है। आग लगने से करीब 50 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मनाली नेशनल हाईवे पर पंजाब हिमाचल की सीमा गरमौड़ा पर रविवार सुबह एक ही जगह पर दो सड़क हादसे पेश आए। दोनों हादसे तेज रफ्तार के चलते हुए हैं और दोनों हादसों में टूरिस्ट बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। इस हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक युवती की बस की टक्कर से मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 युवक घायल हुए हैं। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए FRU नालागढ़ ले जाया गया है, जबकि 5 गंभीर घायलों को सिविल अस्पताल आनंदपुर साहिब ले जाया गया है। दोनों बसें पर्यटकों से भरी हुई थी और बसों में 45-45 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि बस चालक ने बस को सड़क से खाई की तरफ लुढ़का दिया। अगर बस सीधी आती तो दूसरी बस के सभी पर्यटक, वहां खड़े स्थानीय लोग और पुलिस टीम भी इसकी चपेट में आ सकते थे। हादसे के बाद दोनों बसों के चालक मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद SDM स्वारघाट राजकुमार, DSP नैना देवी, SP SR राणा बिलासपुर भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसमें इन्वॉल्व होंगे, दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे बताया गया कि ये दोनों जो है घटना के बाद इमीडिएटली यहाँ स्पॉट से जो है गाड़ी छोड़ करके ये फरार हो गए। तो जिस पे ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये बसेज हैं, हम उनके मैनेजमेंट को यहाँ कॉल कर रहे हैं और उनसे कहेंगे कि इमीडिएटली ये जो ड्राइवर हैं दोनों सरेंडर करें। साथ में जो एक अनफॉर्चुनेटली एक यहाँ पर इस एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हुई है, तो उसके परिवारजनों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं और उसका जो भी लीगल प्रोसीजर है, उसकी जो ऑटोप्सी है वो कंडक्ट करने के बाद बॉडी जो है वो फैमिली के परिवारजनों को जो है हैंड ओवर करेंगे। और निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है, लेकिन जो भी इसके लिए जो अभी जो मुझे घटनास्थल पर बताया गया है कि ये ओवर स्पीडिंग मे बी वन ऑफ द कॉज जो कारण लग रहा है, अपेरेंटली जो थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में साफ होंगी। तो अगर ड्राइवर की नेगलिजेंसी है तो उनके खिलाफ जो हम चार्जशीट बना करके कोर्ट में पेश करें, और बाकी फर्दर जो भी इश्यूज तो इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें अगर सामने आती हैं तो जिन भी लोगों के खिलाफ कुछ एविडेंसेज आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर इसमें कितने घायल हैं सर, कुछ कुछ जानकारी? घायल जो है वो 4 से 5 लोग जो है वो घायल हैं, और एक का जो है वो मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि एक की जो है सर घायलों कहाँ ले जाया गया? तो उनको जो नियरेस्ट जो फर्स्ट एड आनंदपुर साहिब में जो है वहाँ फर्स्ट एड दी जा रही है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी कोई सीरियस उस तरीके का, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अनफॉर्चुनेटली एक डेथ हुआ। सुंदरनगर विकास खंड की ग्राम पंचायत नालग में मैटरनिटी की 4 महीनों के अवकाश के बाद पंचायत पहुंची पंचायत प्रधान पूजा ठाकुर ने एक्शन मोड में आते हुए निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की शिकायतें मिलने के बाद काम बंद करवा दिया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा की जा रही है।
इस संदर्भ में ग्राम पंचायत नालक की प्रधान पूजा ठाकुर ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत और वीडियो मिली थी कि उनकी पंचायत में रेत और मिट्टी को मिक्स करते हुए मनरेगा के तहत रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने मौके पर जांच की और पाया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। मौके पर उन्होंने वार्ड सदस्य को इस निर्माण कार्य को सही ढंग से करने की हिदायत दी। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत नालक की प्रधान पूजा देवी। 31 दिसंबर को बैना गांव के लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो भेजा। उन्होंने बताया कि मनरेगा द्वारा चला हुआ कार्य में गलत तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेता प्लस मिट्टी को मिलाकर रास्ता बनाया जा रहा है। मैंने मौके पर जाकर पाया कि सही तरीके से मटेरियल का यूज़ नहीं किया जा रहा है और लोगों में गुस्सा व आक्रोश बहुत था। मैंने लोगों को समझाया और वार्ड मेंबर को बताया कि जल्द से जल्द इस काम को ठीक किया जाए। अगर वो इस कार्य को सही तरीके से नहीं करते हैं तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। प्रदेश पुलिस भर्ती में ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले लगभग 700 युवाओं को डीएसपी करसो गीतांजलि ठाकुर द्वारा रविवार से लिखित परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। निशुल्क कोचिंग बैच वाइज शुरू की गई है, जिसमें लगभग 500 युवाओं को राजकीय महाविद्यालय में दो बैच बनाकर शैक्षणिक कोचिंग का कार्य शुरू किया गया है, जबकि लगभग 200 युवा ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करेंगे। बता दें, डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर द्वारा करसोग के युवाओं को रोजगार के लिए निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। इस कार्य में वरिष्ठ अध्यापक ललित द्वारा भी अपनी निशुल्क सेवाएं इस कोचिंग अभियान में दी जा रही हैं। उन्होंने ये सहयोग डीएसपी गीतांजलि ठाकुर से मिली प्रेरणा को देखते हुए स्वेच्छा से दिया है, ताकि इस क्षेत्र का युवा रोजगार प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफल बना सके। ललित जी, जो डीएसपी करसोग ने जो बहुत शानदार एक प्रयास किया है, उसमें आप भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, किस प्रकार के जो प्रयास हैं वो हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक डीएसपी गीतांजलि ठाकुर जी ने एक करसोग के बच्चों के लिए एक कोचिंग का कार्यक्रम या ट्यूशन जो एक फ्री में देने जा रहे हैं, वो एक सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक समाज के लिए एक बहुत बेहतरीन कार्य आरम्भ किया है। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी मैडम के साथ अपने खुशों के बच्चे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से लगभग 700 बच्चे यहाँ इनरोल हुए हैं, तो उन सभी बच्चों को चाहे मैंने भी सोचा कि मैं भी इनकी हेल्प करूँ और सभी बच्चों को अपनी तरफ से कोचिंग दूँ। मेरा विषय रहेगा इसमें पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज से आप भी शुरू कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं इनका? बिल्कुल जी, इनका सहयोग भी होगा, डेफिनेटली बच्चों का सहयोग भी होगा, बच्चों का सहयोग भी होगा, अपने क्षेत्र के जो भी निकले हुए बच्चे हैं उनका सहयोग भी होगा। क्योंकि मैंने पहले भी पाया है, मुझे लगभग 16 साल शिक्षा विभाग में एज ए लेक्चरर काम करते हुआ, तो 16 साल में मैंने भी पाया कि हमारे बच्चे फिजिकली स्ट्रांग हैं, वो टेस्ट अच्छे फिजिकली जो ग्राउंड टेस्ट है अच्छे तरह से निकाल पाते हैं, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं हमारे बच्चे रिटर्न में पिछड़ जाते हैं। तो इनको आज कोई भी टेस्ट है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का टेस्ट है, जब तक कोचिंग के बिना थोड़ा निकलना मुश्किल है। तो मुझे लगा कि इसमें मैं भी थोड़ा अपना एक कंट्रीब्यूशन करूँ। धन्यवाद जी। पुलिस की जो अभी भर्ती चली हुई है, जो उसमें जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट क्लियर कर लिया है, उनके लिए आपने आज से निःशुल्क जो है प्रशिक्षण शुरू किया है, कितने बच्चे आए हैं और कैसे कैसे ये व्यवस्था रहेगी, ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन कैसे होगा, वो बताएं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 750 रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जिसमें से 500 जो बच्चे हैं वो यहीं पर आकर कॉलेज आकर हमारे से क्लासेस लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कैपेसिटी जो थी हमारे पास, हॉल की कैपेसिटी अराउंड 250 जो आराम से अकोमोडेट हो सके, तो हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं। आज हमारा फर्स्ट ग्रुप का क्लास चल रहा है, जिसमें 250 के करीब बच्चे हैं, और कल हम लोग जो बाकी के 250 रह गए हैं उनकी क्लास लेंगे। सो सेम जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो कल भी पढ़ाया जाएगा फॉर द रेस्ट 250 चिल्ड्रन। बाकी के जो 200 के करीब बच्चे हैं वो ऑनलाइन हमारे साथ ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और हमारे पास जो भी मटेरियल या जो भी हम PDFs बनाते हैं वो हम उसको ग्रुप्स पे शेयर कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं काफी? यस, लॉट ऑफ देम, दे आर ऑल हियर। जो पहले दिन का जो है वो कैसा अनुभव रहा है आपका? इट वॉज़ वेरी गुड, काफ़ी अटेंटिवली बच्चे सुन रहे हैं, हर एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल एक्साइटेड। धन्यवाद, बहुत बहुत।